किंग दिलीप कुमार हॉस्पिटल में एडमिट है। जी हाँ, पिछले 2 सालों से दिलीप साहब बहुत ज्यादा बीमार चल रहे हैं। इसी के चलते उनको सांस लेने में तकलीफ हुई, जिसके बाद उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। हिंदुजा हॉस्पिटल में वो एडमिट है, लेकिन फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। लेकिन जब ये बात सबको पता चली कि दिलीप कुमार को सांस नहीं आ रहा है और उनकी हालत ठीक नहीं है, तब दिलीप कुमार से जुड़े कई किस्से मीडिया में छा गए। उन्हीं में से एक ऐसा किस्सा है जिसके बारे में शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। जी हाँ, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। मैं आपके साथ साधिका कौर। आप नहीं जानते होंगे कि सारा बानो ने दिलीप कुमार से नहीं किसी और से शादी करना चाहती थी, और किन परिस्थितियों में उन्होंने शादी दिलीप से की। जी हाँ, उस एक्टर को जब आप जानेंगे तो आप खुद जान जाएंगे कि आखिर सायरा बानो उनसे शादी क्यों करना चाहती थी। तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सायरा बानो, जी हाँ, दिलीप कुमार की जहाँ हालत बहुत ज्यादा गंभीर है, वहीं दूसरी तरफ सायरा बानो और दिलीप कुमार के कई किस्से सामने आ रहे हैं। इन्हीं में से एक किस्सा आया है सायरा बानो और दिलीप कुमार की शादी को लेकर। खबरें हैं कि एक बार सायरा बानो ने खुलासा किया था कि वो दिलीप कुमार से शादी नहीं करना चाहती थी। भले ही वो दिलीप से प्यार करती हो, लेकिन शादी नहीं करना चाहती थी, वो किसी और हीरो से ही शादी करना चाहती थी। जी हाँ, इस हीरो का नाम है राजेंद्र कुमार। बता दें, राजेंद्र कुमार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जुबली कुमार थे। 12 जुलाई 1999 को राजेंद्र कुमार गुजर गए थे। वहीं पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था राजेंद्र कुमार का जन्म। 60 के दशक में ज्यादातर लड़कियां राजेंद्र कुमार जैसे हैंडसम हस्बैंड की कामना करती थी। देखा जाए तो बॉलीवुड में 60 का पूरा दशक राजेंद्र कुमार के नाम पर था। वहीं बॉलीवुड की हर बड़ी हीरोइन उनके साथ काम करना चाहती थी। राजेंद्र कुमार शादीशुदा थे, तब भी उन पर फिदा हो जाती थी। जी हाँ, बॉलीवुड की कई हसीनाएं राजेंद्र कुमार के खूबसूरती पर फिदा थी। वहीं उस दौर में नाजुक सी सायरा बानो खूबसूरती की मिसाल थी। और जब राजेंद्र कुमार ने फिल्म आई मिलन की बेला में सायरा के साथ काम किया तो उन पर फिदा हो गए। बॉलीवुड के जुबली कुमार पर सायरा का भी दिल आ गया। राजेंद्र कुमार शादीशुदा थे और 2 बच्चों के पापा थे। सायरा राजेंद्र कुमार से शादी की जिद पकड़े हुए थी, तो वहीं राजेंद्र भी सायरा की खातिर अपना परिवार तक छोड़ने को तैयार थे। बता दें, राजेंद्र कुमार और सायरा बानो ने एक साथ आई मिलन की बेला, झुक गया आसमान, अमन जैसी फिल्मों में साथ काम किया। वहीं सायरा फिल्म दर फिल्म राजेंद्र कुमार की दीवानी होती चली गई। एक बार अपने बर्थडे पर वो इसलिए रूट गई कि उनकी मां ने राजेंद्र कुमार को नहीं बुलाया। तब नसीम बानो ने दिलीप कुमार को खबर भेजी कि वो अपनी फैन सायरा बानो को आए और समझाए। बता दें, सायरा की मां नसीम को अपनी बेटी की नादानी पर बेहद गुस्सा आ रहा था। वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी एक शादीशुदा शख्स से शादी करे। इस मामले में नसीम ने पड़ोसी दिलीप साहब की मदद ली और उनसे कहा कि सायरा को वो समझाए कि वो राजेंद्र कुमार से दूर हो जाए। बता दें, बहुत ज्यादा बेमन से दिलीप कुमार ने ये काम किया, क्योंकि वो सायरा के बारे में ज्यादा जानते भी नहीं थे और शादी का तो दूर दूर तक इरादा नहीं था। वहीं जब दिलीप साहब ने सायरा को समझाया कि राजेंद्र के साथ शादी का मतलब है पूरी जिंदगी सौतन बनकर रहना और तकलीफें सहना, तब पलट कर सायरा ने दिलीप साहब से सवाल किया कि क्या वो उनसे शादी करेंगे। वहीं सायरा के इस सवाल से बहुत ज्यादा अचकचाए दिलीप, और समय तो कोई जवाब नहीं दे पाए। लेकिन बाद में बहुत सोच विचार कर सायरा बानो से शादी को तैयार हो गए, और फिर इस तरह राजेंद्र कुमार का परिवार टूटने से बच गया। बता दें, बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर दिलीप कुमार इन दिनों हॉस्पिटल में एडमिट है। वहीं 98 साल के दिलीप कुमार पिछले काफी समय से कई बीमारियों से भी जूझ रहे हैं। रविवार सुबह सांस लेने में दिक्कत की वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। डॉक्टरों के मुताबिक अभी ऑक्सीजन सपोर्ट पर है और उनकी तबीयत स्थिर है। ऐसे में पत्नी सायरा बानो हर पल उनके साथ साए की तरह उनका साथ दे रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि दिलीप और सायरा बानो की बॉन्डिंग बेहद खास रही है।
वो अपने पति के साथ साय की तरह हर समय रहती हैं और उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखती हैं। सायरा बानो और दिलीप कुमार उन कपल्स में से हैं जिनके प्यार की मिसाल हर दौर करता है। बता दें, उन्होंने खुद से 22 साल बड़े दिलीप कुमार से निकाह किया था। दिलीप कुमार और सायरा बानो की शादी को 54 ईयर्स हो चुके हैं। दोनों की शादी बहुत धूमधाम से 1966 में हुई थी। वहीं आपको बताते हैं कि सायरा ने एक बार इंटरव्यू में बताया था कि जब उनकी दिलीप से सगाई होने वाली थी, तब उनकी एक्स गर्लफ्रेंड ने उस दिन जहर खा लिया था। वहीं जैसे ही दिलीप के पास ये खबर पहुंची, तो वो अपनी सगाई छोड़कर तुरंत हॉस्पिटल रवाना हो गए। एक्स गर्लफ्रेंड से मुलाकात के बाद उसे काफी समझाया कि वो सायरा से बेहद प्यार करते हैं और उनके साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं। बहुत मनाने के बाद दिलीप कुमार के प्यार में पागल वो लड़की मानी। उसके बाद वापस एक्ट और अपनी सगाई में पहुंचे। सायरा बानो के मुताबिक वो लड़की फिल्म इंडस्ट्री से नहीं थी। बता दें, दिलीप कुमार का रिश्ता मधुबाला, वैजयंती माला और कामिनी कौशल से भी रहा। दिलीप कुमार का नाम मधुबाला से भी जुड़ चुका है। दोनों बे इंतहा मोहब्बत करते थे। कहा जाता है एक्ट्रेस मधुबाला के पिता को दिलीप साहब पसंद नहीं करते थे और वो नहीं चाहते थे कि दोनों की शादी हो, इसलिए ये रिश्ता टूट गया। वहीं एक्ट्रेस कामिनी कौशल और दिलीप कुमार के अफेयर की चर्चा भी काफी जोरों पर थी। दोनों का रोमांस 1948 में रिलीज हुई फिल्म शहीद के सेट पर शुरू हुआ। दोनों शादी की प्लानिंग भी करने लगे। कामिनी दिलीप को डेट कर रही थी। उस वक्त वो शादीशुदा थी। जब कामिनी और दिलीप के रिश्ते की भनक उनके परिवार वालों को लगी, तो कामिनी के भाई ने दिलीप को धमकी दी और कामिनी से दूर रहने को कहा था। 3 साल तक चला ये रिश्ता आखिरकार खत्म हो गया। दिलीप कुमार की जिंदगी में वैजयंती माला भी रही, लेकिन इन दोनों का रिश्ता ज्यादा लंबे समय तक नहीं चला। बता दें, दिलीप कुमार ने 1980 में दूसरी शादी भी की थी। सायरा बानो से शादी के 14 साल बाद एक्टर ने आसमा रहमान से दूसरी बार निकाह किया था। तब ये खबरें थी कि सायरा मां नहीं बन सकती, इसलिए दिलीप साहब को दूसरी शादी करनी पड़ी। वहीं 1980 में दोनों ने शादी की और 1982 में दोनों का तलाक हो गया। कहा जाता है कि आसमा दिलीप साहब को धोखा दे रही थी, इस वजह से उन्होंने आसमा को तलाक दिया और वापस सायरा बानो के पास लौट आए। सायरा बानो और दिलीप का प्यार जग जाहिर है। आप कभी भी मीडिया पिक्स देखेंगे, अगर सोशल मीडिया पर सर्च करेंगे तो सायरा बानो और दिलीप कुमार की पिक्स देखेंगे, तो आप कहेंगे कि इन दोनों में कितना प्यार है। और ये सच भी है। आपको बता दें, सायरा एक बच्चे की तरह दिलीप कुमार का ध्यान रखती है। वहीं एक इंटरव्यू में सायरा बानो ने कहा था कि भले ही मेरा कोई बच्चा ना हो, लेकिन दिलीप कुमार का मैं ध्यान बिल्कुल बच्चों की तरह ही रखती हूँ, वो तो मेरे लिए बच्चे ही हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।